दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि IC ULN 2803 का यूज करके कैसे आप एक ऑटोमेटिकली ऑन एंड ऑफ होने वाला LED स्ट्रिप लाइट बना सकते हो, जिसे आप अभी फेस्टिवल के समय में यूज कर सकते हो। ULN 2803 दोस्तों एक स्विचिंग IC है, तो इसकी एक साइड पर हमें कनेक्ट करना होता है कोई माइक्रो कंट्रोलर और दूसरी साइड पर इसे कनेक्ट करना होता है जो आउटपुट डिवाइस हम चलाना चाहते हैं, जैसे इस केस में है 12 वोल्ट का LED स्ट्रिप और एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई सोर्स हमें लगता है दोस्तों। तो जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर उस ULN 2803 IC को कमांड देता है ऑन ऑफ करने के लिए, उस हिसाब से वो आउटपुट लोड को स्विच करती है और इस पूरे आइडिया का यूज करके आप पैटर्न में ऑन एंड ऑफ होने वाला लाइटिंग सिस्टम बना सकते हो, जिसमें आपको माइक्रो कंट्रोलर होने की वजह से अलग अलग कोड्स उसमें इनपुट करने की फैसिलिटी मिल जाती है और उस कोड के हिसाब से LED लाइट का पैटर्न भी आप चेंज करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाना है, कैसे इसकी वायरिंग करनी है, इसका सर्किट डायग्राम कैसा है, कौन से कंपोनेंट कहां पर लगाने हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य और आप देख रहे हो ऑटोमेशन विद आशीष। इस प्रोजेक्ट के लिए लगने वाले सारे कंपोनेंट्स की परचेस लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है दोस्तों, और साथ ही जो माइक्रो कंट्रोलर का कोड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस कोड को चेंज करके आपके हिसाब से आप अलग अलग पैटर्न ऑफ LED लाइटिंग बना सकते हो। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना।